वही देहरादून से बड़ी खबर, जहां मलिन बस्ती के अध्यादेश की सीमा का आज आखिर दिन, आज समाप्त हो जाएगी अध्यादेश की समयावधि। तो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किस बार अध्यादेश ला सकती है दावी सरकार, अध्यादेश लाने के लिए सरकार का मंथन शुरू। तो आज कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो 2018 में पहली बार अध्यादेश लाई थी सरकार, ये तीसरी बार ऐसा मौका होगा कि अगर सरकार इस पर अध्यादेश लाती है। तो 2021 में अध्यादेश को 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो उत्तराखंड में साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था कि मलिन बस्तियों को वहां से हटाया जाए, जो कि एक बड़ी चुनौती थी। और अब तीसरी बार भी अध्यादेश लाने की तैयारी में शामिल। हमारे जो मलिन बस्तियां पूरे प्रदेश भर में है, वहां की आपको जानकारी है ही है कि दो बार इसका 3-3 साल का कार्यकाल ऑर्डिनेंस का बढ़ा है। और आज भी हमारी इच्छा ये है कि हम लोग उनके लिए कुछ राहत दें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको लेके विचार विमर्श हुआ है। और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे। और ये हमारे जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे हम राहत प्रदान कर सकें, इसमें हम पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं। अध्यादेश कितने दिनों से चला रहा है? 3-3 साल का दो बार बढ़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत राठी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गया। अजीत, आपका रुख करना चाहेंगे, मलिन बस्ती के अध्यादेश की सीमा का आज आखिरी दिन है और इसके बाद अब लगातार सन्नाटा लोगों में भी पसरा हुआ है और सरकार पर सबकी निगाहें। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप ये समझिए कि 1.25 करोड़ की आबादी के इस देश में सैकड़ों कॉलो जो मलिन बस्तियों का जिनका जिक्र हो रहा है, उनमें तकरीबन 7.5 से 8 लाख लोग रहते हैं, जिनके 1.5 लाख के आसपास मकान हैं। तो इतने सारे सब चीज़ें, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी, उसके बारे में सोचना सरकार की मजबूरी है। लेकिन सरकार आज कैबिनेट बैठक 11 बजे शुरू होगी, 11 बजे की कैबिनेट बैठक में ये अध्यादेश लाया जाएगा। अध्यादेश को मंजूरी के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद विधायी विभाग आज ही इसको जारी कर देगा, ऐसी सूचना न्यूज स्टेट को विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है। तो 11 बजे जैसे कैबिनेट होगी तो सबसे पहला जो एजेंडा है कैबिनेट में वो इस अध्यादेश को लाने का ही है। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिनके महकमे से ये जारी होना है, तो वो 2 दिन पहले ही इसको मंजूरी दे चुके हैं प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के लिए। और ये चूंकि बहुत ही विस्तृत मसला है और बहुत पुराना मसला है, और 2016 में जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इन सबको खाली करा लिया जाए, ये सब अवैध बस्तियाँ हैं, तो उसके बाद 2018 के आसपास 18 में त्रिवेंद्र सरकार ये एक अध्यादेश लाई थी। और चूंकि 8 लाख लोग रहते हैं, सभी के वोटर वहाँ रहते हैं, तो 3 साल के लिए अध्यादेश आया था। और उसके बाद फिर 2021 में 3 साल के लिए आया, तो इसकी मियाद आज खत्म हो रही है। तो आज खत्म होने से पहले ही कैबिनेट में लाकर आज इसको शाम तक इसकी अधिसूचना जारी कर दिए जाने का एक पूरा जो एक मुकम्मल सूचना जो हमें अध्यादेश की मियाद आज पूरी हो रही है। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर अध्यादेश सरकार लेकर आएगी या फिर कोई जो स्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस पर देखें तो विपक्ष भी लगातार हमलावर है सरकार पर। देखिए, मैं बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ, जितना अपना सूचनाओं का जो स्रोत है अपने, कि आज अध्यादेश के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। अध्यादेश आएगा, सरकार को जो उन 7-8 लाख लोग जो हैं उनके बीच में अपनी इज्जत बचानी है। सरकार के पास अभी कोई लॉन्ग टर्म प्लान उसका नहीं है। सरकार उनके पुनर्वास पर एक कदम भी पिछले 6 सालों में आगे नहीं बढ़ी है। और अचानक ही याद आया कि अध्यादेश भी खत्म हो रहा है 2 दिन बाद, तो 2 दिन से ये कसरत शुरू हुई है। तो यहाँ की सरकारी मशीनरी का हाल यही है, वो पूरी तरह से, मतलब उसकी काहली है कि 2 दिन पहले जागते हैं कि 2 दिन बाद 3 साल पुराना अध्यादेश खत्म हो जाएगा और फिर इन मलिन बस्ती को तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आज कैबिनेट में आनन फानन में उस अध्यादेश को लाया जा रहा है, उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद वहां से लोगों को स्थापित करना भी कहीं ना कहीं शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और किस तरह से इस चुनौती से पार पाती है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि आज ये मियाद पूरी होने जा रही है और तीसरी बार सरकार जो है इस पूरे संदर्भ में अध्यादेश ला सकती है। बढ़ते आगे, पौड़ी में कांग्रेस नेता